अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सबने एक टर्म सुनी होगी इन्फ्लेशन की, बड़ी कॉमन टर्म है। अच्छा, इन्फ्लेशन के साथ एक नाम की हद तक मिलती जुलती चीज आजकल कई जगहों पे यूज हो रही है, स्टैगफ्लेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको नॉलेज देने लगा हूँ कि इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन, STAG फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन में डिफरेंस क्या। अच्छा, आप देखिए, इन्फ्लेशन में क्या होता है कि चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही होती, लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमी भी चल रही होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रही होती है। और क्योंकि इकोनॉमी चल रही है ना, इकोनॉमी के इंजन बंद नहीं है, तो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होती। ये इन्फ्लेशन एक रूटीन है हर कंट्री में कि प्राइसेस कम ज़्यादा अपनी जगह पे, कि किसी जगह पे प्राइसेस ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ रही हैं, किसी जगह पे कम परसेंटेज से बढ़ रही हैं, लेकिन इन्फ्लेशन चलती रहती है, महंगाई चलती रहती है, इकोनॉमी भी साथ साथ चल रही होती है, लोग कामकाज कर रहे होते हैं, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होती। स्टैगफ्लेशन एक बड़ी ख़तरनाक टर्म है और इकोनॉमिस्ट बड़े वरिड होते हैं कि यार ये चीज़ कभी नहीं आनी चाहिए। अब स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, स्टैगफ्लेशन पहली बात ये दो टर्म से मिली है, स्टैग बनाए स्टैगनेंट से, STAGNANT स्टैगनेंट, और फ्लेशन आई है इसमें इन्फ्लेशन से। तो ये स्टैगनेंट और इन्फ्लेशन मिलकर स्टैगफ्लेशन बनाए। आप गूगल पे जाके सर्च करें स्टैगनेंट का क्या मतलब है, स्टैगनेंट का मतलब है रुक जाना, चीज़ों का रुक जाना, स्टैगनेंट हो जाना, और फ्लेशन इन्फ्लेशन महंगाई। अब स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, महंगाई तेजी से बढ़ती है और उस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल स्टैगनेंट हो जाती है, इकोनॉमी बिल्कुल स्टैगनेंट हो जाती है। और क्योंकि इकोनॉमी रुक गई है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से क्रिएट हो जाती है। मतलब ये बड़ा हैरानकुन सिनेरियो है कि यूजुअली ऐसा होता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई होती है ना, तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में ज़रा इन्वर्स रिलेशनशिप है कि भाई बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों की कुव्वतें खरीदनी है, तो चलो यार प्राइसेस जो है ना वो गिर जाएंगी, कोई खरीदने वाला होगा ही नहीं। लेकिन स्टैगफ्लेशन में ये होता है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल स्टैगनेंट, और बेतार से इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई। अच्छा, है ये बड़ा रेयर सिनेरियो, लेकिन ये बहुत रेयरली कभी कभार अकर हो भी जाता है और इकोनॉमिस्ट इसीलिए से डरते हैं। 1970s में ये अरब कंट्रीज़ और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का ऑयल पे ज़रा डिस्प्यूट हुआ था, तो उन्होंने ऑयल सप्लाई बिल्कुल रोक दी थी। अब हर मईशत के लिए तेल बहुत ज़रूरी है, ऑयल की सप्लाई रुक गई तो इकोनॉमी में चीज़ें प्रोड्यूस होना ही बंद हो गई या बिल्कुल कम हो गई। अब प्रोडक्शन बिल्कुल गिर गई चीज़ों की, तो आप सोचें तेल ही नहीं है, प्रोडक्शन बिल्कुल गिर गई, प्रोडक्शन बिल्कुल गिर गई वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियली उस टेम्पोरेरी टाइम पीरियड के लिए इंक्रीज़ हो गई। प्लस ये तेल के ना होने की वजह से आप सोचें इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी बुरी तरह रुक गई होगी। अब जब कंपनीज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई है, तो वो मुलाजमों को रख के क्या करेंगे, एक सिवियर अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो गई है। तो स्टैगफ्लेशन से हर इकोनॉमी डरती है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन आती है ना, तो इन्फ्लेशन कम अज़ कम कंट्रोल की जा सकती है, कुछ अरसे में, शॉर्ट टर्म में ख़त्म हो जाती है। बट स्टैगफ्लेशन अगर आ गई तो उसको बहुत टाइम लगता है रिमूव होने में, इसलिए इस पर्टिकुलर सिनेरियो से हर इकोनॉमी अपने आप को बचाना चाहती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।